यहाँ गुलाल नहीं राख उड़ती है, यहाँ रंग नहीं चिता की राख खिलती है। ये गोपियों की नहीं शिव भक्तों की होली है, ये अविनाशी काशी की होली है, ये बाबा विश्वनाथ की होली है। क्या आपने कभी सुना है धधकती चिताओं के बीच महाशमशान पर होली खेलने का अड़भंगी अंदाज? क्या आपने कभी देखी है जहां होली पर रंग नहीं उड़ते, उड़ती है तो चिताओं की राख? नहीं ना, तो चलिए आज आपको ले चलते हैं काशी, बाबा विश्वनाथ की अद्भुत नगरी काशी में, जो देवस्थान भी है और महाशमशान भी, जहां जन्म और मृत्यु दोनों मंगल है। ऐसी अलबेली अविनाशी काशी में खेली जाती है मसान वाली होली, दुनिया भर में सबसे अनूठी जलती चिता की राख और भस्म से होली, शिव भक्तों की अलबेली होली। महाशमशान मणिकर्णिका पर बाबा मसान नाथ के चरणों में चिता की राख समर्पित कर फाग और राग विराग दोनों का ही उत्सव आरंभ हो जाता है। पूरा दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूत भावन महादेव स्वयं वहां अपने गणों के साथ प्रकट हो गए हैं। खास बात यह है कि ऐसा सिर्फ काशी में ही होता है। मणिकर्णिका घाट, जहां आमतौर पर मातम का माहौल पसरा रहता है, यहां पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। यहां पर शिव भक्त इन्हीं चिताओं की राख से न सिर्फ होली खेलते हैं, बल्कि थोड़ी देर के लिए जन्म और मृत्यु के जीवन चक्र से बाहर निकलकर सब कुछ भुला देते हैं। मणिकर्णिका घाट पर चारों ओर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए खूब मस्ती करते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि महाशमशान ही वो स्थान है जहाँ कई वर्षों की तपस्या के बाद महादेव ने भगवान विष्णु को संसार के संचालन का वरदान दिया था। इसी घाट पर शिव ने मोक्ष प्रदान करने की प्रतिज्ञा ली थी। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नगरी है जहाँ मनुष्य की मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। यहाँ शव यात्रा में मंगल वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। भोले बाबा काशी विश्वनाथ ने मंगलवार को अपने औघड़ रूप में शमशान घाट पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली खेली। फिजा में डमरों की गूंज और हर हर महादेव के उद्घोष से नगर गूंज उठा। भांग पान और ठंडाई की जुगलबंदी के साथ अलहड़ मस्ती और हुल्लड़बाजी के बीच एक दूसरे को मणिकर्णिका घाट का भस्म लगाया गया। ये दृश्य देखते ही बन रहा था। पौराणिक मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के ससुराल पक्ष के अनुरोध पर रंगभरी एकादशी के दिन उनके गौने में पिशाच, भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, औघड़, अघोरी, सन्यासी, शैव, शाक्त सहित अन्यगण शामिल नहीं हो पाते हैं। बाबा विश्वनाथ तो सभी के हैं और सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं, इसलिए गौने में शामिल न होने वाले अपने गणों को निराश नहीं करते। उन्हें गौने के अगले दिन महाशमशान मणिकर्णिका पर बुलाकर उनके साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं और यही मान्यता सदियों से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।